अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन हबीबनगर पुलिस स्टेशन के तरफ से एक साइकोपैथ किलर की गिरफ्तारी हुई है, जिसने पहले 2017 में दो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए थे और उस दोनों केस में जब इसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जब बेल पर बाहर आया तो नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में 2019 में क्राइम नंबर 311/2019 जो कि पहले 174 में बुक हुआ था और बाद में सेक्शन ऑल्टर करके 302 में उसको कन्वर्ट किया गया, जिसमें एक बेगर मुबारक अली 30 दिसंबर को उसका मर्डर हुआ। उस सिलसिले में ये 16 मंथ के लिए जेल में था और फिर बाहर आने के बाद अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को ये बेल पर बाहर आया और इस साल दशहरा के दिन हबीबनगर लिमिट में एक बेगर का मर्डर किया और उसके बाद 31 अक्टूबर की रात को दो मर्डर इसने किया। दोनों बेगर का है, एक हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो रफली 10:30-11 PM के लगभग हुआ और दूसरा नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लगभग 3 से 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग हुआ। ये अक्यूज का नाम है मोहम्मद कादर, सन ऑफ मोहम्मद वाहिद, एज 48 ईयर्स, लेबर का काम करता है, कभी कभी ऑटो ड्राइवर भी चलाया है और टेम्पररी सफदर नगर बोराबंडा हैदराबाद का रहने वाला, लेकिन ओरिजिनली नेटिव ऑफ बगदल विलेज उमनाबाद तालुक बीदर कर्नाटका स्टेट। इसका चाइल्डहुड काफ़ी अनहैप्पी रहा, बचपन में इसके फादर इसको बहुत मारते थे और ये सब के कारण भी शायद इसके दिमाग में कुछ इम्पैक्ट हुआ। 15 साल की एज में ये बीदर से हैदराबाद लाइवलीहुड के लिए आया और इसकी शादी भी हो चुकी है, 5 बच्चे हैं, लेकिन फैमिली लाइफ इसका हैप्पी नहीं है और वाइफ इसको लगभग एक तरह से डेजर्ट कर दी है। कभी कभी जाता है उन लोगों को कुछ पैसे देने के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय ये अकेले फुटपाथ पर ही रहता है। और ये पूरा केस जो डिटेक्ट हुआ उसमें जो लास्ट केस था टिफिन सेंटर के सामने जो एक ब्लड स्टेन के साथ डेड बॉडी मिला, वहीं से क्लू शुरू हुआ और हमारे जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में ACP शिव मारुति और उनकी पूरी टीम मिल